78वीं बटालियन के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। इस हमले से भारतीयों में रोष व्याप्त हुआ। भारतीय वायुसेना ने इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यहीं से शुरू हुई बालाकोट हवाई हमले की योजना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के से पल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में निस्तब्ध नाबूद कर दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने हवाई हमले का एक व्यर्थ प्रयास किया, लेकिन सदैव सतर्क हमारे नव प्रहरियों ने दुश्मन को भारत की आकाशीय सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ कर बाहर कर दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्तव्य परायणता, कड़ा अनुशासन, संवेदना और करुणा इस अनूठे संगठन की बुनियाद है।